जैसे होता है ग्रेडिंग, और क्या होता है ग्रेडिंग, और हमें क्या पता ग्रेडिंग के बारे में, और कौन समझाएगा, यही बताने के लिए श्री गोविंद जी बेरा ने 35 साल का रिच अनुभव वो सीसीआई और महाराष्ट्र फेडरेशन से लेके आए हैं, बहुत उच्च पदों पर रहे हैं, और आज हमारे साथ इस वेबिनार में इसी बात के लिए जुड़े हैं कि ग्रेडिंग और मार्केटिंग कपास की किस तरह अच्छी तरह कर सकते हैं। गोविंद जी वैराले, अनम्यूट करिए ना गोविंद जी, अपने आप को अनम्यूट करिए गोविंद जी। विषय द्वारा कपास का समर्थन मूल्य कैसा प्राप्त मिले प्राप्त होगा, ये इस विषय पे आज का ये कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम ये जो कार्यक्रम है ये जो अपना सिरकॉट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज CTCDR द्वारा ये संयुक्त रूप से आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसका ये कार्यक्रम का जो नियोजन है जो कॉटन ग्रुप मनीष जी डागा इन्होंने अच्छी तरह से आपके सामने किया है, और मैं गोविंद वैराले CTCDR का एक कोऑर्डिनेटर हूँ। और महाराष्ट्र में हमारे करीबन 15,000 किसान हैं जो कपास से कपास का ग्रोइंग ग्रो करके तो वहाँ कपास का मार्केटिंग तक हमारे जो यहाँ पे जो स्काउट्स और ऑफिसर्स है वो हमें उन्हें एडवाइस करते हैं और अच्छे में अच्छे कपास के फायदा कैसा मिला उस लिए वो CTCDR का काम महाराष्ट्र में चल रहा है जी। आज इस उपलक्ष्य में कॉटन कॉर्पोरेशन इंडिया के उप महाप्रबंधक अर्जुन जी दवे सर यहाँ पे आए, और अजय कुमार जी भी है जो अकोला के हैं, आज जो यहाँ पे आए किसानों को मार्गदर्शन करने के लिए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। कपास के ग्रेडिंग के बारे में जो जो है कि शुक्ला साहब ने बताया, और अभी जो CCI के जो जो दोनों उप महाप्रबंधक है वो विस्तृत रूप से जानकारी देंगे, इसलिए मैं इसके लिए मैं वो टाइम अपना व्यस्त नहीं करना चाहता हूँ। इतना ही है कि मैं ये जो है कपास का मार्केटिंग कैसे क्या हो सकता है और कपास को ज्यादा दर कैसे मिल सकता है इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। जी बताइए। तो क्या है कि कपास मतलब जो इंडिया में जो 11 स्टेट में कपास के राज्य है उसमें से महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में करीबन 130 लाख हेक्टर में से 43 लाख हेक्टर तो महाराष्ट्र का कॉटन एरिया है। और अभी जो ये कुछ दिनों से जो बरसात चल रही है वो बरसात की वजह से कुछ किसानों का कपास का नुकसान 5 से 10% हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा समझते हैं कि ये साल जो है कपास का जो उत्पादन है फिर भी करीबन 400 से 425 लाख क्विंटल मतलब 80 से 85 लाख गांठ का होने का अनुमान है। और ये 400 लाख क्विंटल में से करीबन जो अपन जो सुपर FAQ फेयर मतलब सुपर FAQ जो कपास है वो समर्थन मूल्य में CCI द्वारा ले सकते हैं, और 15% जो कपास है जनरली ये जो कपास जो जाता है वो बिलो FAQ ग्रेड मतलब जो हल्का कपास आता है जो FAQ में नहीं बैठता, तो इसका मतलब है कि 350 लाख क्विंटल कपास जो है महाराष्ट्र में CCI और फेडरेशन को बेचने के लिए किसान तैयार रहेंगे और उनको ये कपास लेना मतलब उपलब्ध होगा। अब इतना उसमें से कितना कपास CCI देगी ये तो बोल नहीं सकते, फेडरेशन देंगी, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय का अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय CCI और फेडरेशन ने करीबन 230 लाख क्विंटल मतलब 45 लाख गांठ का काम उन्होंने किया है। और गए साल में इतना प्रॉब्लम था क्योंकि क्या हुआ कि दिसंबर तक तो कपास के भाव अच्छे थे, 5500 से मतलब 5100 से 5500 रुपए थे, तो प्राइवेट व्यापारी ने काफी 50% कपास तो प्राइवेट व्यापारियों में गया दिसंबर तक के, लेकिन उसके बाद में जो कपास के रेट जो कम हुए उसके बाद में कोरोना का संक्रमण आया, कपास किसानों के घर में रहा, ऐसे परिस्थिति में CCI ने जो कपास लिया खरो सही में उनका जो जितना भी अभिनंदन करना चाहे उनके कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उनके टीम का वो तहे दिल से मैं अभिनंदन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रास्ते वो किसानों से काफी जुड़ा हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम आते थे क्या क्या उनके सेंटर्स के कैसे प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया ये मुझे मालूम है, तो इसलिए मैंने उनका जो है कॉटन कॉर्पोरेशन का जो मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि 2020-21 में तो करीबन लास्ट ईयर तो 5550 रुपए थे, इस साल तो 5825 रुपए कपास का रेट हो गया है। और जो है अभी जो मार्केट रेट जो चल रहा है मार्केट रेट जैसे जैसे
गठान और सरगी का रेट देखा जाए तो कपास का जो रेट जो चल रहा है मार्केट में अच्छे कपास का 4500 से 5000 रुपए तक चल रहा है, और जहाँ मॉइस्चर ज्यादा है, जहाँ मॉइस्चर ज्यादा है वहाँ तो फिर 3500-4000 भी, 4000 से भी नीचे है, लेकिन जनरल कपास जो अच्छा है वो 4500 के 5000 के लिमिट में कपास का खरीदी चालू है, कहाँ जहाँ जहाँ भी कपास आया है वहाँ वहाँ पर। तो ये भी देखा देख रहे अपन की जो इंटरनेशनल मार्केट जो है, इंटरनेशनल मार्केट कुछ दिन से अच्छी तरह से बढ़ रहा है। अभी आपको मालूम होगा 1.5 महीने पहले जो काटलुक इंडेक्स जो था 65 सेंट का, आज वो 75-76 सेंट हो गया, मतलब 10 सेंट बढ़ गया है। इसका मतलब कपास का जो मार्केट है, कपास का इंटरनेशनल मार्केट जो है वो बढ़ रहा है। फिर भी इंटरनेशनल लेवल में अगर इंडिया का कपास देखा जाए कंपेयर टू अदर कंट्रीज, फिर भी आज ये सस्ता है, और ये सस्ता कपास मिल रहा है इसलिए एक्सपोर्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी तो क्या है कि बांग्लादेश और वियतनाम में कपास का एक्सपोर्ट का अभी जारी है, लेकिन अगर एक एक जो 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 इम्पोर्टेंट जो कस्टमर जो इम्पोर्टर आने के अभी चांसेस अच्छी तरह से चल रहे हैं, क्योंकि जो चाइना है अच्छी तरह से सभी तरह से व्यवहार अगर अपने इंडिया के साथ में अच्छी तरह से चलते रहे तो अमीर अपना जो चाइना जो है, चाइना का इम्पोर्ट अगर हो गया और अपना इंडिया का एक्सपोर्ट चालू हो जाए अच्छी तरह से तो काफ़ी रेट अपने बढ़ सकते हैं। क्योंकि क्या है जो चाइना का जो रिजर्व ये था करीबन 2011 में पूरा वर्ल्ड का जो स्टॉक था करीबन 21 मिलियन मेट्रिक टन, उसमें से 60% कॉटन जो अकेले चाइना के पास था, लेकिन अभी वो 14 मिलियन मेट्रिक टन का जो उनका रिजर्व स्टॉक था वो आज 7.5 मिलियन टन पे आ गए हैं। तो इस वजह से उनकी भी कुछ परचेस बढ़ने की संभावना, ऐसी इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसी हम न्यूज़ सुन रहे हैं कि सीसिया अपना जो चाइना का जो है रिजर्व बढ़ाने के लिए वो चाइना आगे मार्केट में आ सकती है, तो मार्केट फिर से बढ़ सकता है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो 10 सेंट अभी जो बढ़ा है, 10 सेंट जो बढ़ा है 1.5 महीने में, वैसे ही अगर हो जाए तो करीबन आज जो 76 सेंट का जो सीसी अपना कॉटलुक इंडेक्स है, वैसे ही 7-8 सेंट अगर बढ़ जाता है मार्केट तो अपना जो आज का जो सपोर्ट प्राइस जो 5825 रुपये रेट है, जिसका व्यापारी 5825 में लेंगे तो उनको भी घाट बेचना है तो करीबन 45-46 हज़ार में तो ऊपर ही घाट उनकी बिकना चाहिए, तभी वो एक्चुअली सपोर्ट प्राइस में ले सकेंगे। फिर भी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन सीसीआई को ज़्यादा में ज़्यादा कपास लेना पड़ेगा, ये तो अपन ये हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं, लेकिन आज की जो पोजीशन है वो पोजीशन के हिसाब से सीसीआई को काफ़ी कपास खरीदी करना पड़ेगा। जैसे लास्ट ईयर 230 लाख क्विंटल परचेस किया 45 लाख घाट महाराष्ट्र में, तो मुझे लगता है ये साल में उनको 61 लाख घाट का परचेस करना पड़ेगा। लेकिन सीसीआई की तैयारी तो अच्छी तरह से चालू है, लेकिन फेडरेशन से जो मेरी अभी बातें मतलब मेरा जो डिस्कशन है या जो मेरी इंफॉर्मेशन है तो उनका अभी 30 सेंटर का ही प्लानिंग है अभी, लेकिन टाइम पे तो क्या है कि जब कपास के रेट जो कम हो जाएंगे तो पॉलिटिकल प्रेशर इतना आएगा कि वो फेडरेशन को भी सेंटर तो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन सीसीआई को भी सेंटर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे लास्ट ईयर सीसीआई ने जो टाइम पे मतलब मार्च अप्रैल में जितना कपास लिया और जो जुलाई तक के कपास लिया, इसलिए सारे किसानों का कपास बिक सका, अदरवाइज किसानों के बहुत प्रॉब्लम होने वाला था। मैं सीसीआई के दोनों महानुभाव को, दोनों साहब लोगों को एक विनंती करूंगा कि कपास के जो अपने जो सपोर्ट प्राइस जो अपने MSP जो है उसमें जो है मीडियम स्टेपर, मीडियम लॉन्ग स्टेपर, लॉन्ग स्टेपर और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपर, मतलब ऐसे है महाराष्ट्र में का अगर कपास की जाति देखा जाए तो करीबन 24 मिलीमीटर से लेकर तो 30 मिलीमीटर के सभी जातियों का कपास, सभी वेराइटीज का कपास यहाँ पे उपलब्ध है। लेकिन लास्ट ईयर में जो एक्चुअली मैं टच में था किसानों, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में पूरे किसान हैं, तो जलगांव साइड में या अकोला के साइड में जो जलगांव साइड में जैसे वायवन है या ज्योति है या मतलब उनका स्वदेशी 5 वेराइटीज है जो 26 मिलीमीटर के कम स्टेपर वाला है, लेकिन 26 मिलीमीटर तक ही कपास सीसीआई खरीदने का उनका कुछ ऐसा प्लानिंग था। आखिरी में फिर मतलब उनको बड़ा प्रॉब्लम हुआ किसानों को जिनका मतलब ये वेराइटी का कपास था, तो आखिरी में सीसीआई को भी वो सीसीआई के जो CMD थे वहाँ तक वो बात गई। फिर बाद में कुछ सेंटर पे मतलब उन्होंने
जो वाइवन का और जो मिलोच 26 मिलीमीटर का कपास खरीदी किया, तो ये साल में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे मैं उनको विनंती करता हूँ कि जैसे अपन 26 मिलीमीटर पकिस्ट टेपलन का कपास लेते हैं, तो 26 मिलीमीटर के अंदर का भी नीचे का भी कपास महाराष्ट्र में है और अपने पास स्कोप भी है। अपने जो MSP प्राइस ऑपरेशन है उसमें ऑलरेडी जो कोई डायरेक्टिव है तो उस हिसाब से वहाँ पे उनको ले सकते हैं। जैसा राष्ट्र ने आखिरी में लिया, काफी लोगों ने मतलब जो कपास उन्होंने 5100 में बेचा था वो कपास उनको 4500 में पहले बेचना पड़ा। ये साल में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मैं इसलिए मैं CCI के अपने दवे साहब को और अजय कुमार साहब को विनंती करूंगा कि ये साल में जो 26 मिलीमीटर के नीचे का जो वेराइटीज का कपास है ये शुरुआत से ही होना चाहिए ताकि किसानों को असुविधा न हो और किसान अच्छी तरह से कपास अपना बेच सकेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत आभार गोविंद जी वेराले, अपने 35 साल के अनुभव को निचोड़ के 10-15 मिनट में उन्होंने जो जो बहुत अच्छी बातें बताई। आपको 2-3 चीजें मार करनी थी जो उन्होंने बताया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि कपास में आज भी बहुत सारा काम करना बाकी है, तो CCI को भी आज हम ये सवाल पूछेंगे ही और उनको भी अपना होमवर्क जाके करना है कि महाराष्ट्र में खास करके जहाँ पे 43 लाख हेक्टर क्षेत्र में कपास होता है, पूरे चीन में खाली 36 लाख हेक्टर में कपास होता है पर महाराष्ट्र में 43 लाख हेक्टर में बुआई होती है, तो इतना बड़ा क्षेत्र है महाराष्ट्र, तो उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन हो सकता है क्या? और देसी सीड मतलब जो देसी कॉटन है या जो जिस तरह का Y1 वेराइटी बता रहे हैं उसके लिए कुछ हो सकता है क्या? दूसरा उन्होंने बताया इंटरनेशनल मार्केट, कि चाइना कभी भी खरीदने आ सकता है। ये बात तो बहुत लोग मानते हैं कि भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारा स्कोप।